हेलो एवरीवन, लेट द पीस रूल ऑन योर हार्ट। आज हम लोग बात करेंगे क्षमा मांगने की, यानी कि अपॉलॉजी, और दूसरी भाषा में कह लेते हो रिपेंटेंस। हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप खराब होने का सबसे बड़ा कारण झगड़ा होता है। पवित्र शास्त्र बाइबल इस बारे में बताता है, नीति वचन 17:14, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार हम देखते हैं बांध या डैम में एक दरार भी आ जाती है, तो उस दरार से जो पानी बाहर आने वाला है उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कि अनमैनेजेबल हो जाता है। और एक बार उस दरार से पानी बाहर आ जाए तो देयर इज नो होल्डिंग बैक ऑफ वाटर। उसी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने से पहले या कंट्रोल लूज होने से पहले उसे रिजॉल्व कर लेना अच्छा है। इसी बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल का एक और वचन बताता है, याकूब का 5:16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। कई बार कन्फेशन बहुत जरूरी हो जाता है। क्रोध में आके हो सकता है कई बार हमने किसी को हर्ट किया हो, या फिर हो सकता है हमने किसी को अपशब्द बोले हो। एंड इफ यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, ये हमारे लिए अच्छा है ताकि हम बाय हार्ट हील हो जाएं। एंड बट ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप के लिए हेल्दी भी है और हमारे लिए स्ट्रेस रिलीजिंग भी। सो आई होप अगर हम रिलेशनशिप हेल्दी चाहते हैं तो कभी किसी से क्षमा मांग लिया और कभी किसी को क्षमा कर दिया। इससे हमें तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। करके देखिएगा। लेट द पीस रूल ऑन योर हार्ट।